بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Today we will discuss one more topic, that is density of floating objects, and it will be the lecture number 5 of this chapter, flotation. तो students, last lecture में हमने discuss किया है कि principle of flotation क्या होता है. उसमें हमने discuss किया कि क्या object float होगा या सिंक होगा, वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के वेट पे, और वो डिपेंड करता है बायांट फोर्स एग्जर्टेड बाय द लिक्विड. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर कम होगी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के मुकाबले में, क्या वो उस वक्त वो ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा या सिंक होगा, या अगर ये जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर ज़्यादा होगी किसके मुकाबले में, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, क्या उस वक्त वो ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा या सिंक होगा, तो वही हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे एक टर्म है डेंसिटी. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैं डेंसिटी के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं, लेकिन ये हमें डिटेल में आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है कि डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है. लेकिन यहाँ हम फ्लोटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक टर्म डेंसिटी आए. तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी सिंपली मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम. यहाँ पे मैंने इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये आप याद रखिएगा. तो यहाँ पे हम डिस्कस करें कि द डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड बाय कंपेयरिंग इट्स डेंसिटी विद दैट ऑफ द लिक्विड. तो एक ऑब्जेक्ट सिंक होगा, यानी ये पानी में डूब जाएगा, या फ्लोट दैट मीन्स तैरना शुरू करेगा, ये हम कंपेयर करते हैं विद द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइड बाई वॉल्यूम. डेंसिटी हमें डिटेल में पढ़नी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ एक इक्वेशन आप याद रखिएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम. एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट इज डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड. एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा लिक्विड में अगर इसकी डेंसिटी या एवरेज डेंसिटी कम होगी देन दैट ऑफ द लिक्विड, यानी लिक्विड की डेंसिटी के कंपैरिजन में इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर कम होगी तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा लिक्विड में. ठीक, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट इज डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड. अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप ये तस्वीर देखिएगा, ये फिगर देखिएगा आप, ये लिक्विड है. ठीक, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है. आप देखिए, ये ऑब्जेक्ट सिंक नहीं हुआ है, ये बॉटम पे नहीं आया, यहाँ पे ये यहाँ पे फ्लोट कर रहा है. क्यों? ऑब्जेक्ट हैविंग लेस डेंसिटी देन लिक्विड, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो कम है, वो कम है देन द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, इसलिए ये फ्लोट करता है. सो एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट इज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, इसीलिए ये क्या करता है? फ्लोट करता है. फॉर एग्जाम्पल, डेंसिटी ऑफ कॉर्क वुड आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो दे फ्लोट इन वाटर. कॉर्क, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट होता है, ये वुड, ठीक है, आइस, इनकी डेंसिटी कम होती है, इनकी डेंसिटी कम होती है देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो दे फ्लोट इन वाटर, इसीलिए ये फ्लोट करते हैं. डेंसिटी ऑफ गिलास एंड आयरन इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ मर्करी, सो दीज ऑब्जेक्ट फ्लोट इन मर्करी. जो गिलास है या आयरन है, ठीक, गिलास और आयरन जो है, इनकी डेंसिटी कम होती है देन द डेंसिटी ऑफ मर्करी. ठीक है, मर्करी मेटल है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर पे,
ठीक है, तो गिलास और जो आयरन है इनकी डेंसिटी कम होती है देन द डेंसिटी ऑफ मरकरी, सो दीज ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन मरकरी, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट्स आयरन गिलास ये फ्लोट करते हैं किसमें, मरकरी में, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम है देन द डेंसिटी ऑफ मरकरी। लेकिन अगर हम आयरन लेंगे, आयरन रॉड हम लेंगे स्टूडेंट्स, इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये सिंक हो जाएगा, ये डूब जाएगा पानी में, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, इसीलिए ये सिंक हो जाएगा। लेकिन डेंसिटी ऑफ आयरन जो है इट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ मरकरी, दैट इज वाई इट फ्लोट्स ऑन फ्लोट्स इन मरकरी। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट इज डेंसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द लिक्विड। एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा लिक्विड में जब उसकी डेंसिटी इक्वल होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, यानी एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी डेंसिटी इक्वल होगी यानी बराबर होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर, ठीक है, तो उस वक्त भी ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, तार हैज द सेम डेंसिटी एज वाटर, सो तार फ्लोट्स इन वाटर। तो ये तार एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी डेंसिटी इक्वल होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करता है, फ्लोट करता है वाटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये फ्लोट करता है वाटर में। ऑब्जेक्ट इज हैविंग सेम डेंसिटी एज लिक्विड, इस ऑब्जेक्ट की क्या है, डेंसिटी सेम है, इसीलिए ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसलिए क्या करता है, फ्लोट करता है, ठीक है, ये वाटर है, ये लिक्विड है, इसमें ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। एन ऑब्जेक्ट विल सिंक इन अ लिक्विड इफ इट इज डेंसिटी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एक ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा पानी में, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड से डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट की अगर ज्यादा होगी तो लिक्विड की डेंसिटी से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, ठीक, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज्यादा, किससे ज्यादा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो उस वक्त वो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आयरन और स्टील हैज मोर डेंसिटी देन वाटर, सो ए नेल ऑफ आयरन और स्टील विल सिंक इन वाटर। आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है, स्टील की डेंसिटी ज्यादा होती है, किसकी डेंसिटी से, डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो इसीलिए ये क्या, सिंक हो जाते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वाटर है, इसके बॉटम पे ये ऑब्जेक्ट गया क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मोर है देन द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट क्या जाता है, डूब जाता है, सिंक जाता है इस पानी में। तो यहाँ पे आप देखिएगा स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन में मैंने लिखा, इफ डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ द लिक्विड देन द ऑब्जेक्ट फ्लोट इन द लिक्विड इन सच अ वे दैट ऑल ऑफ इट रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर, नो पार्ट ऑफ इट रिमेन्स अबव द सर्फेस ऑफ वाटर। ये पॉइंट स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा अच्छी से, कि अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होगी टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो ऑब्जेक्ट फ्लोट हो जाएगा वाटर में, वो फ्लोट करेगा। अब वो फ्लोट कैसे करेगा, वो उस ऑब्जेक्ट का सारा पोर्शन सबमर्ज रहेगा वाटर में। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक, उस वक्त वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, इस तरह से वो फ्लोट करेगा कि उसका सारा पोर्शन, उस ऑब्जेक्ट का सारा पार्ट, सारा हिस्सा उस ऑब्जेक्ट का सबमर्ज रहेगा वाटर में, नो पार्ट ऑफ इट रिमेन्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर, उसका कोई भी पोर्शन, कोई भी हिस्सा पानी के ऊपर नहीं रहेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी इक्वल होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहां पे देखिएगा आप स्टूडेंट्स, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे इसकी डेंसिटी जो है ये इक्वल है, सेम है डेंसिटी ऑफ
लिक्विड, इसीलिए ये देखिए पानी में फ्लोट करता है। इसका कुछ भी पोर्शन वाटर से ऊपर नहीं है, ये सारा इसमें फ्लोट कर रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट का पोर्शन ऊपर नहीं है, ये वाटर में फ्लोट कर रहा है, ठीक, वाटर के अंदर ये फ्लोट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लेकिन इस ये फ्लोट कर रहा है इस पानी में, इस लिक्विड में, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन ऊपर भी है, ठीक है ना। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उस वक्त वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा लेकिन कुछ पोर्शन पानी के ऊपर भी रहेगा उस ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो उस वक्त वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट करता है, लेकिन वो सबमर्ज रहता है, यानी पूरा का पूरा उस ऑब्जेक्ट का हिस्सा पानी में रहता है। तो स्टूडेंट्स ये था अबाउट डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, एंड हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई शिप फ्लोट, यानी शिप कैसे फ्लोट करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।